नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में सुबह व शाम मौसम ठंडा रहेगा, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में सुबह व शाम को ठंड रहेगा और दिन में धूप रहेगी, जो कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का रहेगा मौसम। विभाग के अनुसार रात में शीतलहर रहेगी। उनके नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर में 12 जगहों पर रैन बसेरा संचालित है, वहां पर ठहरने के लिए सभी तरह की व्यवस्था की गई है। जो लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं वो लोग रैन बसेरे में जाकर सोएं, क्योंकि वहां पर सभी तरह की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण भी हो रहा है और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए ये मौसम अभी कंटिन्यू रहेगा और जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वार्ता हुई है उसके अनुसार मौसम अभी जो है इसी प्रकार बना रहेगा। रात में थोड़ी शीतलहर जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से थोड़ी शीतलहर बनी रहेगी, लेकिन आगामी अभी 2-3 दिनों तक का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो इसी प्रकार बने रहने का पूर्वानुमान दिया गया है। सर, ऐसे में लोगों की तबीयत भी खराब होने की समस्या, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि गोरखपुर में 12 जगहों पे रैन बसेरे संचालित है और वहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई हैं। तो जो भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं या ऐसे व्यक्ति हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो स्वयंसेवी संगठन है वो उन्हें निकटतम रैन बसेरे पर ले जाएं। वहाँ रैन बसेरों पे समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति न सोए, इसके लिए निरंतर प्रचार प्रसार भी सभी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। बाकी जो भी समुचित व्यवस्थाएँ हैं, अलाव की व्यवस्था है, कम्बल इत्यादि व्यवस्था है, वो सभी उपलब्ध हैं, उनका भी वितरण है, हो रहा है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो समुचित सहयोग है, लेकिन इसमें एक विशेष रूप से अपने स्तर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। जब भी घरों से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहने, सर को रात्रि काल में और सवेरे काल में सर को ढक करके निकले। इस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। गर्म पानी का सेवन करें, विशेष रूप से बच्चों का ध्यान। परिवहन विभाग की तरफ से बस स्टैंड पर ठंड में यात्रियों के लिए 20 बेड के अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में परिवहन विभाग के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने बताया कि गोरखपुर बस स्टेशन बड़ा बस स्टेशन है, यहाँ पर यात्रियों का आवागमन काफी रहता है। यात्रियों को ठंड बचाने के लिए यात्रियों के लिए 20 बेड का बड़ा हॉल है, जिसमें अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है। इसके अलावा अलाव की व्यवस्था करवाई जा रही है। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि परिवहन निगम को आपको सुरक्षित यात्रा करवाएगा, हम आपको बेहतर सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, आप लोग यात्रा करें। यदि किसी तरह को दिक्कत हो रही हो तो बस स्टैंड पर रुकने की व्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा, गोरखपुर बस स्टेशन बड़ा बस स्टेशन है, यहाँ तीनों पालियों में यात्रियों का आवागमन होता है। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बस स्टेशन का जो हाल है बड़ा, उसमें 20 बेड का एक अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है और बस स्टेशन के सामने जो जगह खाली है वहाँ अलाव की नियमित व्यवस्था की जा रही है। परिवहन निगम सबसे सुरक्षित यात्रा है, हम उनको बेहतर से बेहतर सेवा दे रहे हैं, यात्रा करें। ठंडक पड़ रहा है, रात में गाड़ी में तो कोई दिक्कत है तो बस स्टेशन पे रहें और ज्यादा से ज्यादा परिवहन। जनपद में अयोध्या दास इंटर कॉलेज में अध्यापक व अध्यापिकाओं के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में डीएवी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि यहां पर जनपद के कई विद्यालयों के अध्यापक व अध्यापिका कई स्कूलों से आए हुए हैं। यहां पर कौशल देखने को मिला है कि बच्चों को किस तरह से आसानी से पढ़ाया जा सके, जिसके लिए अध्यापिकाओं द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शनी लगाया गया है, जिससे बच्चे आसानी से सभी विषयों को समझ सके। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए डीएवी पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप कुमार द्विवेदी ने कहा, यहाँ पर जो है बहुत से टीचर कई स्कूल से आए हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं तो उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा यहाँ पे है और यहाँ पे मतलब कई कौशल देखने को मिल रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है टेक्निक के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो है टूल और टेक्निक के माध्यम से ही सीखते हैं
और टीचरों का बहुत ही अच्छा प्रयास है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है, अभी एक मैम ने सिंचाई की सिस्टम बताया जो है कि किस प्रकार जो है मेघालय में जो है वहाँ पे वर्षा भी होती है लेकिन दिक्कत होती है पहाड़ों के माध्यम से, बांस के माध्यम से। अभी आपने संविधान को जो है पोस्टर प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा रहा है। थैंक यू। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार द्विवेदी, DAB PG कॉलेज, समाजशास्त्र का प्रोफेसर हूँ और हम जजमेंट के लिए निर्णायक मंडल में मैं यहाँ पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में विकसित भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने लाइव के माध्यम से बच्चों को संबोधित किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के तहत छात्र व छात्राओं को संबोधित किया है क्योंकि देश का युवा सबसे अधिक विश्वविद्यालय में है। भारत को विकसित करने में उनका क्या सुझाव है, हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे और इनपुट देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और कहा है कि छात्र मोबाइल से बाहर निकलकर बाहर आएं और दुनिया की वास्तविकता को समझें, देश के विकास में अपना सुझाव दें। इस दिशा में गोरखपुर विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाएगा। हम लोग कार्यक्रम कराएंगे और सुझाव लेंगे जो कि देश को विकसित करने में अहम है। युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरी ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हैं, उनके करियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यदि युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं, इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा, हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन कार्य से जोड़ना है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहता है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोडमैप पर चलना वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें, सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैलेंज करने वाले लोग हैं, इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक। ये देश का भविष्य लिखेगा एक महाअभियान। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर सभी आज के इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक
हम विकसित भारत बना सकते, मिलकर के बना सकते। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है, नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षक जगत की इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कार्यक्रम है। उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा, बहुत अच्छी पहल है हमारे भारतीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और नीति आयोग के सहयोग से। देखिए, देश का युवा अगर है तो सबसे अधिक विश्वविद्यालयों में है, और विकसित भारत को विकसित करने में उनके क्या सुझाव हैं, इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम करेंगे और हम लोग इनपुट देंगे और इस दिशा में पूरा आगे बढ़ेंगे उनके साथ, हाथ में हाथ मिला के विश्वविद्यालय भी। छात्रों के लिए भी तमाम प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए कई अहम बातें बोली हैं, किस तरह से पढ़ाई करें, देश आगे बढ़े। बहुत बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं छात्रों से कि मोबाइल से बाहर भी निकल कर आएँ और जो दुनिया की हकीकत है या वास्तविकता है उसमें भी, उसको भी समझें और देश के विकास में अपना योगदान दें, सुझाव दें, और इस दिशा में विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी अहम भूमिका निभाएगा। हम लोग विभागीय स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम कराएंगे जिससे कुछ अच्छे सुझाव निकल के आएँ और कुछ अच्छी पहल हो हमारे विश्वविद्यालय की ओर से भी जो देश को विकसित करने के लिए। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में ललित कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी पूर्वांचल की 114 वर्ष पुरानी शिक्षण संस्थान है, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, नेशनल छात्रावास एवं प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं, जिसमें 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समिति वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष ये महोत्सव 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कुल 12 प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 3 विद्यालयों के साथ शहर के अन्य शिक्षण संस्थान भाग लेंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ललित कला महोत्सव का इतिहास 50 वर्ष पुराना है। सन 1973 में चित्रकला प्रतियोगिता के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इस ललित कला महोत्सव में बैडमिंटन प्रतियोगिता, निबंध, भाषण एवं विज्ञान प्रदर्शनी सहित अन्य प्रतियोगिताएं की जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे ने कहा, आज की प्रेस वार्ता नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और हॉस्टल का संचालन 1909 से किया जा रहा है, उसके द्वारा वर्ष 1973 में इस नगर में एक चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी अपने दो पूर्व सचिव लोगों के स्मृति में, और 1973 में प्रारंभ की गई यात्रा आज 50 वर्ष पूरे करने जा रही है, और जो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम एक प्रतियोगिता का होता था वह पिछले 50 वर्षों में बढ़ते हुए 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार 5 दिन के कार्य समय में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 15 दिसंबर 2023 को प्रारंभ होगी शुक्रवार को, और इसका समापन 19 दिसंबर 2023 मंगलवार को संपन्न होगा। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम हमारे प्रोफेसर जेपी सैनी साहब, जो कि कुलपति हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के, उनके कर कमलों द्वारा होगा, और उद्घाटन के संबंध में आयोजन समिति प्रयास कर रही है, वार्ता भी हुई है, सहमत शाम तक मिल जाने की उम्मीद है। दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय की कुलपति पूनम टंडन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। सर, कुल कितने विद्यालय से भाग लेना है? इसमें हमारे विद्यालयों के अलावा पिछले वर्षों की जो हमारी यात्रा रही है, लगभग 37-38 विद्यालय सहभाग करते हैं, और इस वर्ष हम लोगों ने
महाविद्यालयों को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी आमंत्रित किया गया है और हमें उम्मीद है कि यह संख्या 50 के करीब पहुंचेगी। पूरे नगर के जितने भी इंटर कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उन सब में यह प्रतियोगिता में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं वह निबंध, वाद विवाद, एकल गायन, एकल नृत्य, वादन, एकांकी, क्विज, योग और चित्रकला जो हमारा मूल है। इसके साथ साथ दो दिन का हम उद्यमिता प्रदर्शनी लगा रहे हैं जिसमें हमारे इंटर और डिग्री के छात्र अपनी चीज़ों को जो उन्होंने बनाया है उसको वो प्रदर्शनी में रखेंगे बेचने के लिए। साथ ही साथ एक फूड कोर्ट का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि जो अन्य विद्यालयों से अभिभावक बच्चे आ रहे हैं या हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उन सब लोगों के लिए एक साफ सुथरी खाने की व्यवस्था भी फूड कोर्ट और इसका भी संचालन विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया। यानी यह पूरा का पूरा जो आयोजन किया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ साथ, विषय के साथ साथ हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें, रचनात्मक क्षेत्र में, व्यवसायी रूप में भी वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और साथ ही साथ सारे आयोजनों में छात्र कार्यकर्ता के रूप में लगे रहेंगे और वो पूरे आयोजन के संचालन में पूरी। गोरखपुर जाम के जाम से निजात दिलाने के लिए एडीजी जोन कमिश्नर डीएम एसएसपी नगर आयुक्त एसपी सिटी एडीएम सिटी सिटी मजिस्ट्रेट 900 चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात कैसे आम जनमानस को मिले जिससे सुचारू रूप से आवागमन चलता रहे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। एडीजी जोन ने सभी अधिकारियों से वार्ता कर कहा कि आम जनमानस की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चौराहे के अगल बगल की दुकान को व्यवस्थित किया जाए जिससे चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सके। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चौराहों पर किए जा रहे सुंदरीकरण कार्यों को और पीछे बंधे से सटा कर किया जाए जिससे आवागमन प्रभावित न होने पाए। इस दौरान एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मंगले दुबे, पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई, थाना अध्यक्ष गीड़ा राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। गोरखपुर में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने को लेकर AHTU थाना द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिससे इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि करीब एक साल में AHTU थाना द्वारा 332 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही जन जागरूकता अभियान के तहत 15,000 बच्चों को जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि लगातार अभियान चलाकर बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रवासी ने कहा, जैसे कि आपको जानकारी है कि जो बाल श्रम है वो अपराध है और किसी भी 14 साल के बच्चे से अपने घर में काम कराना या फैक्ट्री में काम कराना, दुकान पे काम कराना, ये एक अपराध है। और इसके संबंध में जनपद गोरखपुर में गठित AST थाना है जो लगातार इसमें अभियान चलाता रहता है और अन्य डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर के रेस्क्यू अभियान चलाते हैं। साथ ही साथ जो जागरूकता का अभियान है उसको भी चलाते हैं। इस वर्ष 2023 में लगभग 120 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है बाल श्रम से और 300 स्थानों पे करीब जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया है जिसमें 15,000 लोगों को जागरूक किया गया है। इसी क्रम में इस वर्ष AST थाने पे पांच अभियोग पंजीकृत किए हैं बाल श्रम के जिसमें की राशि। गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र में सर्राफा कारोबारी से लूट कांड का SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। SSP ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि सर्राफा कारोबारी से हुई लूट कांड का मास्टरमाइंड शातिर बदमाश पवन साहनी अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने मास्टरमाइंड पवन साहनी समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि 50 CCTV फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान की गई है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से
लूटी गई नकदी समेत जेवरात बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश पवन साहनी पर पूर्व में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पवन साहनी फरवरी में जेल से छूटा था। लूट कांड के खुलासे में सीओ चौरी चौरा ने अहम भूमिका निभाई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। इस दौरान एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गुड़रिया क्षेत्र में 8 तारीख को डुमरी नंबर 1, जिसको कि चंबल घाटी एरिया भी बोला जाता है, वहां पे एक सुनार जिनका नाम की राजेश गुप्ता है, वो 6:30 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका पीछा करते हुए मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों के द्वारा उनको रास्ते में रोका गया। उनको असला दिखाया गया, जिसको देखते ही वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ के वहां से अपने बचाव के लिए भागे। ये लोग उनका मोटरसाइकिल और उसमें जो डिग्गी में सामान था उसको लूट कर ले गए। मोटरसाइकिल को आगे जाकर के उनके द्वारा छोड़ दिया गया और डिग्गी में जो सामान था उसको तोड़ के वो लोग ले गए। घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और बाकी अधिकारियों द्वारा किया गया था, क्योंकि घटना की शुरुआत जहां से हुई थी, जहां उनकी दुकान है, वहीं से ही सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से वहां की फुटेजेस देखी गई। बैक एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे गए। इसमें जो पूर्व के अपराधी थे उनकी भी गतिविधियों के बारे में जानकारी की गई। इस घटना का आज सफल अनावरण हुआ है। इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्त पवन साहनी और उसका जो साथी है लक्ष्मण, वो अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा ये घटना की गई थी। घटना में लूटा हुआ 100% सामान, 100% जो सामान जो लूटा गया था, जिसमें कि आभूषण और कुछ अन्य सामान था, और जो उनका लॉकर है, जो सेफ है, उसकी चाबियां थी, वो सभी रिकवर हुई हैं। इसके साथ साथ जो असले का इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर हुआ है। उस समय पर जो इनके द्वारा कपड़े पहने गए थे और अन्य चीजें जो इस घटना को इन अपराधियों के साथ कनेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें बरामद हुई हैं। विगत वर्ष भी इनके द्वारा एक गैस एजेंसी में लूट की गई थी, जिसके बाद इनके ऊपर मुकदमा लेकर इनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। इस गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट में भी जेल में निरुद्ध थे। कुछ दिन पूर्व ही ये जेल से छूट करके आए हैं और फिर ये किसी अन्य राज्य में जाकर काम करने लगे थे, और यहाँ पे आने के बाद इनके द्वारा इस घटना को पारित किया गया है। इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए और 100% रिकवरी करने के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित किया गया। देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा अपनाई जाने वाली सभी टेक्निक्स ने काम किया है, और ये हमारे सीसीटीवी कैमरास, सर्वेलांस की मदद और जो मैनुअल इंटेलिजेंस होती है, जो कि हमेशा से पुलिस का सिद्धांत रहा है कि कौन से ऐसे अपराधी हैं और उनका हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, तो जो हमारी क्राइम की टीम है उनके द्वारा पूर्व में, क्योंकि इनको भी अरेस्ट किया गया था, तो उनके द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर भी जब तीनों चीजों का मेल हुआ तो ये इनकी अरेस्टिंग हुई और पूरी इनसे रिकवरी। कितने कैमरे खंगाले? इसमें 10 कैमरे खंगाले गए, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, और पिछली जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित भी फुटेजेस थी, और उस समय की जो हमारी इंट्रोगेशन रिपोर्ट थी उनको भी खंगाला गया और कम समय में ही इन सबको अरेस्ट कर दिया। देखिये, बिल्कुल इनका एक आपराधिक इतिहास है, उसका भी प्रेस नोट में उल्लेख किया गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसकी भी इसमें जानकारी दी। गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर जाम से मुक्ति के लिए बड़हलगंज पर बन रहे पुल का एक लेन इस महीने यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। भीड़ के समय भारी वाहनों का प्रवेश कस्बे में नहीं होने पाएगा। वहीं कोड़ी राम में फ्लाईओवर को आवागमन के लिए खोलने व रोडवेज की बसों को चौराहे से 200 मीटर दूर रोकने का निर्णय लिया गया है। डीएम कृष्णा करुणेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने गोरखपुर से बड़हलगंज तक जाम के प्रमुख वजहों को चिन्हित किया है। इसके बाद संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि बड़हलगंज में कस्बे में भारी वाहनों से भी जाम लग रहा है, इसलिए तय किया गया है कि सुबह 9 से 11 बजे और शाम के 5 से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह कौड़ीराम में जाम मिला, चौराहे के पास से ही बसें खड़ी हो रही थी। बसों को 200 मीटर दूर रोकने को कहा गया है। कौड़ीराम में ही बाईपास रोड बन रहा है, वहाँ एक फ्लाईओवर बन चुका है, जल्द उसे खोलने के लिए
NHAI के अधिकारियों से कहा गया है। फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू होने के बाद उसके नीचे की सड़क बनाई जाएगी। इसी तरह सजनवा नौसड़ और मोहद्दीपुर चौराहे पर भी अतिक्रमण हटाकर आवागमन को सुचारू रूप से संचालित कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में पब्लिक के आवागमन और ट्रैफिक को और सुगम बनाने हेतु हमारे और DM साहब द्वारा और बाकी सभी विभागों द्वारा विगत कुछ दिनों से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे द्वारा बढ़लगंज, सहजनवा, नौसड़ और शहरी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है। ये जाम पिछले कुछ दिनों से या ये जो ट्रैफिक का जो इशू कुछ दिनों से त्योहार और शादियों का सीजन होने की वजह से सड़क पर जो वॉल्यूम बढ़ा है उस कारण से भी है, और कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं जिनको ठीक करने के साथ साथ ये समस्या से निदान हो जाएगा। बढ़लगंज में जो ट्रैफिक का इशू आ रहा है उसमें हमारे और हमारे अधिकारियों और मऊ से जो अधिकारी हैं उनके मध्य वार्ता भी हुई है, वहाँ जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव लिए गए हैं। वहाँ पर पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस की भी संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो हमारे मालवाहक जो ट्रक्स हैं उनको भी नो एंट्री का एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, रात्रि के समय पे उनको अलाउ किया जाएगा, दिन के समय पे कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जहाँ पर देवरिया के लिए टर्न है और मऊ में आजमगढ़ के लिए टर्न है उसका कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाए उसके लिए भी निर्देशित किया गया, बहुत जल्द वो भी आ जाएंगी। और इसके अतिरिक्त जो कस्बे में हमारा जो ब्लैक टॉप रोड है उसको क्लियर रखने के लिए, अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए एनफोर्समेंट की कार्रवाई वहाँ के पुलिस और वहाँ के जो बाकी हमारी सिविक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा किस तरह से किया जाए, इसका एक बेहद प्लान बनाया गया है जिसको कि आज से ही लागू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सहजनवा में आज हमारे और DM साहब द्वारा विजिट किया गया, वहाँ पर जो सहजनवा कस्बे में जाने वाला जो कट है वो कट खुला होने की वजह से चारों तरफ का ट्रैफिक वहाँ पर आकर के वहाँ पर इश्यूज आ रहे थे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, तो NH द्वारा उस कट को बंद किया गया है, वैसे ही बंद होना चाहिए। और जो बड़े वाहनों का जो मूवमेंट है वो आगे से यू टर्न और लखनऊ साइड पे जो अंडरपास है वहां से यू टर्न के माध्यम से किया गया है, आज वहां पर ये चीज लागू की गई थी जिस कारण से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसी तरह नौसड़ चौराहे पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो पुराने बने हुए हैं जिनका आज की डेट में कोई भी उपयोग नहीं है उन स्ट्रक्चर्स को भी PWD के माध्यम से हटाया जा रहा है ताकि वहां पर जो व्हीकल है जो हमारा वाहन है उसकी मूवमेंट में उसको और स्पेस मिले और ज्यादा वाहन एक समय पर वहां से पास कर सके। इन सभी जगह पर पुलिस फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, सिटी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जा रहा है, उसका जो चौड़ीकरण करके और स्पेस बढ़ाई जानी है उसका भी कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जो हमारा ITMS है वहां भी आज हमारे द्वारा विजिट किया गया और ITMS में भी ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जहां पर भी ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तत्काल वहां के स्थानीय चौकी प्रभारी, वहां के थाना प्रभारी और ट्रैफिक के जो लगे हुए हमारे पर्सनल हैं उनको सूचित करें ताकि जल्दी से जल्दी कंजेशन इसको निकाला जा सके। इन सभी प्रयासों से हमारी पूरी आशा है, विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सुगमता से इस ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रखेंगे। आपसे माध्यम से सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जो ब्लैक टॉप रोड होती है उसके ऊपर किसी प्रकार का भी अतिक्रमण ना करें, कोई भी सामान अपनी दुकानों से आगे बढ़ा करके ना लगाएं, जो फुटपाथ है वो लोगों के पैदल चलने के लिए है, कृपया उसको पैदल यात्रियों के लिए ही खाली रखें ताकि वो रोड पे ना चले और उसमें ट्रैफिक के इश्यूज ना आए। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी कुछ गाड़ियां रोड पर खड़ी रहती हैं, इसके बारे में भी एनफोर्समेंट के बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी गाड़ियां रोड पर ना खड़ी रहें और यदि ये गाड़ियां फिर भी खड़ी मिलती हैं तो उनको सीज करना, उनको टो अवे करना और उनके ऊपर जुर्माना लगाते हुए चलान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपके माध्यम से मैं सभी का सहयोग चाहूंगा कि अपने शहर के ट्रैफिक को और अच्छा करने के लिए आप सभी हमारा सहयोग करें और इसको आने वाले दिनों में हम एक अच्छा मॉडल, जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है और इसको अच्छा सुधार करने के लिए हम लोग सभी लोग इसमें प्रयास